नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस जे ट्रेडर्स में। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में डेली के चार्ट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे उसने नेगेटिव कैंडल बनाया है। इस कैंडल को नाम लेते हैं सुप्रीम स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं या ग्रेविस्टोन टोजी कैंडल भी बोल सकते हैं हम उसको। ओके, तो आइए देखते हैं मैंने जो कल आपको लेवल दिए थे बैंक निफ्टी का उसने आज क्या किया। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था हमारा फ्लैट जोन ये था 36,050 से लेके 36,180, लेकिन उसने आज माइनस में ओपन कर दिया। फ्रेंड्स, गैप डाउन ओपन कर दिया और ये हमारा पूरा टारगेट एक ही झटके में डाउन की साइड में आ गया, तो हमें ट्रेड करने का चांस नहीं मिला। आइए अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं ये पूरे लेवल को निकाल लेता हूँ और फिर से मैं बना लेता हूँ इसके लिए कल के लिए फ्लैट जोन। फ्रेंड्स, अगर ये आप यहाँ पे चेक करोगे कि उसने काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा है इसी चैनल के अंदर, इसका लाइन भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे 35,420 से लेके 35,000 मैक्सिमम पकड़ लो 650 660। ओके, ये हो गया हमारा आज के लिए फ्लैट जोन। आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम पे सपोर्ट लिया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। ओके, तो अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल अगर टुमारो ब्रेक होता है डाउन की साइड में तो कल बड़ा फॉल भी हो सकता है, जिसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 35,170, दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 34,900। मैं दो ही टारगेट देता हूँ आपको, और अपसाइड में अगर ये 35,660 निकालेगा, मैं प्राइस लेवल लगा लेता हूँ, मैं अपसाइड में भी 35,660 निकालेगा तो अपसाइड में पहला टारगेट आएगा उसका 35,780 पकड़ लो 35,770 अपसाइड का टारगेट है फ्रेंड्स ये 767, और दूसरा टारगेट अपसाइड में रहेगा फ्रेंड्स हमारा 35,930। मैं काम करता हूँ 900 पकड़ लो 35,900, और डाउन के साइड का लेबर रहेगा हमारा 34,420 को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा उसका 35,166, और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 34,900। ये हो गया हमारा। तब निफ्टी में कल क्या होगा और आज निफ्टी ने क्या किया फ्रेंड्स, अगर 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन किया फ्रेंड्स, और उसका ओपनिंग हुआ है आज 70,114, और मैंने आपको टारगेट दिया था डाउन की साइड में 70,127 और 114, यानी आज भी उसको उसने गैप डाउन ओपन किया और हमें ट्रेड करने का मौका नहीं दिया। तो आइए देखते हैं कि कल निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए मैं ये पूरा निकाल लेता हूँ आज का, मैं डेली के अंदर में देख लेते हैं हम एक बार इसको। ओके, डेली के अंदर में आप यहाँ पे चेक करोगे, एक यहाँ से अपसाइड में ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ओके, और उसने आज सपोर्ट लिया है तकरीबन, डाउन उसका है 70,090 पे, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो लाइन है वो 2000 का DMA मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। ये अगर कल के लिए देखते हैं हम 15 मिनट में कि कल क्या कर सकता है निफ्टी, तो इसके लिए फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। हम पहले हमको लगता है ये वाला, यहाँ से ये हमारा रहेगा फ्लैट जोन फ्रेंड्स, जिसका लेवल आएगा अपसाइड में 70,240, और उसने क्लोजिंग किया है 70,222। ओके, सही है, चलो। और डाउन की साइड में उसने 70,150, और इसको मैं थोड़ा ऊपर भी कर सकता हूँ,
यस राइट, ये रखते हैं ब्रेक जो 170 175। ओके, अगर डाउन की साइड में 175 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 70,150, और सेकंड टारगेट उसका आ सकता है डाउन की साइड में, चलो भाई चार को क्या हुआ, 70,125। ये हो गया हमारा डाउन की साइड में लेवल, और अप साइड में अगर ये 70,250 ब्रेक करेगा, 250 पकड़ लेते हैं हम, ये राउंड साइज है ना, इसलिए राउंड फिगर है इसलिए, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अप साइड में 70,278। प्राइस लेवल रहेगा उसका अपसाइड में 2450 ब्रेक करेगा तो 280 आएगा, और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 70,300, और डाउन की साइड में देखते हैं हम 70,175 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा डाउन की साइड में 70,150, बहुत छोटा टारगेट है 150 और 25 पॉइंट ही, और दूसरा टारगेट आएगा डाउन की साइड में 70,124, सॉरी इसको मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, 70,100 के करीब आएगा। ओके, अगर निफ्टी में 100 पॉइंट भी 70 से 100 पॉइंट भी मिल जाएगा हमको तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया था, मैं आज दो बज के तीन बजे दोपहर में हीरो और जीरो 35,800 का कॉल बाई करने के लिए बोला था 23 रुपीज़ में, और मैंने उसका स्टॉप लॉस दिया था आपको 12 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 2:05 पे 32 प्लस हुआ, 2:06 पे 36 प्लस गया, और 2:09 पे वो 52 प्लस जाके आया। कहने का मतलब है यही 6 से 7 मिनट में उसने 29 से 30 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, यानी बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे एक लॉट का साइज आता है तो क्वान्टिटी 25, अगर 25 × 30 करोगे तो 75 रुपीज़ 750, 750 रुपीज़ आपको प्रॉफिट मिल गया होता एक लॉट पे। ओके, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े नहीं हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हो, जिसका नाम है एस ए ट्रेडर्स फन। ओके, वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन कभी कभी शेयर कर लेता हूँ ऐसा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।